हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे प्यार चैनल एग्जाम अड्डा पर। जैसा कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका अगला पार्ट है। चलिए याद देना करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि वर्ड लिखा है, ए स्पीच विच इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू। एक ऐसी स्पीच जो पहली बार तैयार की गई हो उसे कहते हैं मेड। दूसरा आपका मेरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, एक ही विवाह करने की प्रथा उसे कहते हैं मोनोगैमी। अगला आपका वन हु अंडरगोज द पेनल्टी ऑफ डेथ फॉर द सेक ऑफ ग्रेट कोज, यानी कि शहीद जो देश के लिए अपनी जान देते हैं। क्राउड ऑफ अनरूली पीपल, एक ऐसी भीड़ जो किसी कंट्रोल में ना हो, यानी इस पर किसी का नियंत्रण ना हो, उसे कहते हैं मोब। ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, एक ऐसी इमारत जिसमें डेड बॉडीज या मृत शरीर रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं मोर्चरी। ए वूमन हेटर, इसे क्या कहते हैं मैसोजिनिस्ट। ए यंग अनमैरिड वूमेन, इसे कहते हैं मैडन। एक यानी कि एक ऐसी लड़की जो कुंवारी हो, जो कि पवित्र हो पूरी तरीके से। ए पेपर रिटन बाय हैंड, एक ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा गया हो, तो कहते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट। मैन्यू मीन्स होता है हैंड, आपके रूट वर्ड है मैन्यू। ए वर्किंग और एक्टिंग मेरली और मनी और अदर रिवॉर्ड, एक ऐसा आदमी जो पैसे के लिए काम करता है यानी या और किसी चीज़ के लिए काम करता है, उसे कहते हैं मर्सनरी। आपका अगला, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से द्वेष करने वाला, उसे कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। मर्डरर ऑफ वंस मदर, अपनी माता की हत्या करने वाला, उसे कहते हैं हम मैट्रिसाइड। आपका अगला, द स्टेट ऑफ बींग मैरिड, यानी कि विवाह संस्कार मैट्रिमनी। आपने देखा होगा मैट्रिमनी एक ऐप भी आती है, उसकी वेबसाइट भी है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रिश्ते होते हैं। द पर्सन हु पनिश दोज हु ब्रेक द लॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो दंडित करता है जो कानून का उल्लंघन करते हैं या कानून की अवहेलना करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट। ऑफ द सी यानी समुद्र से लगा हुआ, मैरी टाइम। ए पर्सन हु डिग कोल, एक ऐसा व्यक्ति जो कोयला खोदता है, उसे क्या कहते हैं माइनर्स। दैट विच इज डन विद हैंड, एक ऐसा काम जो कि हाथ से करा गया है, उसे कहते हैं मैनुअल, हथकरघा। हथकरघा आपने सुने होंगे, पावर लूम मशीन से पहले हाथ से बुनाई होती थी कपड़ों की। एनिमल दैट सकल्स देयर यंग वंस, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मैमल्स। बर्ड्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे कहते हैं माइग्रेटरी। दैट विच कैन बी मूव्ड, जिसे चलाया जा सके या जिसे चलाया जा सके उसे कहते हैं मूवेबल। रोंग यूज ऑफ ए नेम वर्ड और डिस्क्रिप्शन मोजनोमर, नाम का गलत प्रयोग करना। ए थिंग गिविन बोट एटसेट्रा एंड कीप्ट एज ए रिमेंबर, कोई चीज़ दी गई है या ली गई है उसे बाद में यादगार के तौर पर रखा जाता है, उसे कहते हैं मेमेंटो। ए पर्सन एक्सपेक्टेड टू कम एंड सेव द वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यह विश्वास जताया जाता है कि वह आएगा और संसार को बचाएगा, तो उसे कहते हैं मसीहा, यानी कि यीशु मसीह, मसीहा। बोन विद और कंट्रोल बाई द हैंड, एक ऐसी चीज़ जिसे हाथ से कंट्रोल किया जाता है, और तो उसे क्या कहते हैं हम मैनुअल। ए शो ऑफ फिल्म थिएटर एटसेट्रा इन द आफ्टरनून, एक ऐसा शो जो दोपहर के बाद आता है, यानी कि तीसरे पहर में, तो उसे कहते हैं मैटिनी। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा मैटिनी। अब आपका आता है अगला, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, सिक्कों तथा पदकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। हैविंग एन ईवल रेपुटेशन, किसी व्यक्ति की खराब एक दुष्ट छवि बनना, जैसे कि अभी दुबे जी करके थे, उनका था, तो आप जानते होंगे कि योगी जी ने उनका घर पूरा डुबा दिया है, तो इसे क्या कहते हैं नोटोरियस। ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर कैप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं, तो इसे कहते हैं नर्सरी। ए ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और टॉरपर एट
स्टपर एटसेट्रा, एक ऐसी दवा जो इंसान को बेहोश कर दे और अवचेतन अवस्था में ले जाए, तो उसे कहते हैं नारकोटिक। डन और हैपनिंग इन द नाइट, एक ऐसा कार्य जो कि रात्रि में होता है, तो उसे कहते हैं नॉक्टर्नल, रात्रि क्रियाकलाप। ऑफ शिप्स सेलर एंड नेवी, ऑफ नेविगेशन, समुद्र से संबंधित नोटिकल, तो इसे कहते हैं नोटिकल। वन हु बियर द सेम नेम इज अनदर, दोनों एक नाम है किसी का और दूसरे व्यक्ति का भी वही नाम, तो इसे कहते हैं नेम सेक, नाम राशि। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस सिस्टम, एक ऐसा व्यक्ति जो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार से जूझ रहा हो या जूझ रहा हो, तो उसे कहते हैं न्यूरोटिक। प्रैक्टिस ऑफ फेवरिंग वंस ओन रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों का पक्ष लेने वाला नेप्टोइज्म। देखिए ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई है, तो उसके बाद ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, तो इस वर्ड को आप ध्यान रखना। अबाउट मैरिज, शादी से संबंधित, तो इसे कहते हैं नुप्टियल एंड मैट्रिमोनियल। एबनॉर्मल और एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर वन सेल्फ, सॉरी मैं दोबारा से बोल देता हूँ, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वन सेल्फ, तो इसे कहते हैं नार्किज्म, नार्किसिज्म। आपको अगला, वन स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मिडवाइफरी और डिलीवरी ऑफ वुमेन इन चाइल्डहुड, एक ऐसी स्त्रिया डॉक्टर आप कह सकते हैं जिन्हें हिंदी में दाई कहते हैं, ऑब्स्ट्रेशियन, ऑब्स्ट्रेशियन, ठीक है। ये क्या होता है, ये बच्चों को जन्म दे, जो गर्भवती स्त्री रहती हैं उनके डिलीवरी करने में मदद करती हैं। ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद बोन्स, तो इसे क्या कहते हैं, एक साइंस का एक पार्ट, विज्ञान का पार्ट जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ आइस, एक ऐसा आदमी जो नेत्र रोग से विशेषज्ञ हो, नेत्र रोग में विशेषज्ञ हो, तो उसे कहते हैं ओकुलिस्ट। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज प्लेस्ड इन द हैंड ऑफ ए स्मॉल एक्सक्लूसिव क्लास, यानी कि एक ऐसा शासन जो, एक ऐसा शासन जिसकी पावर एक छोटे से मध्यम या आप छोटे से क्लास में, यानी कि आप कह सकते हो लोगों के पास हो, छोटे छोटे लोगों के पास हो, तो उसे कहते हैं हम ओलीगार्ची, ओलीगार्की। आपका अगला, आउट ऑफ यूज, जो जिसको जो प्रयोग से बाहर हो, जिसे प्रयोग न किया जाए, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। वन हु, वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, जिसे सब कुछ यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जिसको तीनों के बारे में पता हो, उसे कहते हैं ओमनीसेंट। आपका अगला, वन एन इंस्टीट्यूशन फॉर द शेल्टर ऑफ ऑर्फन देयर सपोर्ट एडुकेशन एटसेट्रा, यानी कि ऐसे जो जिनके माता पिता नहीं होते, जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्फनेज यानी अनाथालय। वन चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों, तो इसको कहते हैं ऑर्फन। ए पर्सन होल्डिंग कन्वर्सेशनल बिलीफ एंड स्पेशली इन द मैटर ऑफ रिलीजन, एक व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो धर्म के बारे में, तो उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। वन दैट इज ऑल पावरफुल यूज्ड जनरली ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति या भगवान जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, भगवान ही। इम्पीरियस टू द रेज ऑफ लाइट एंड कैन नॉट बी सीन थ्रू डल, एक किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं, उससे सूर्य की प्रकाश की किरणों का गुजर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या निकल ही ना पाए, उसके आर पार हम देख ना सकें, तो उसे कहते हैं ओपेक। आपका अगला, वन दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसी शक्ति या ऐसा आदमी जो हर कहीं प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट यानी कि गॉड। मोस्ट होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच रखने वाला, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। सोलम अंडरटेकिंग विद गॉड्स हेल्प टू समथिंग, यानी कि एक सौगंध लेना किसी कार्य को करने से पहले, किसकी, ऊपर वाले की या संविधान की, जैसे कि आपने कोर्ट में देखा होगा कि सभी संविधान की शपथ लेते हैं, तो वो क्या कहती है, ओथ। पुलिसमैन राइडिंग
ओन मोटरसाइकिल एज गार्ड टू ए वीआईपी। मोटरसाइकिल पे सवार पुलिसकर्मी जो किसी वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं आउटराइडर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और बहुत जल्द आपको नई वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू।